दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागॉजी चैनल में। और दोस्तों, हम जो टॉपिक करेंगे ये साइंस के वन लाइनर कर रहे हैं। इसमें टॉपिक हमारा साइंटिफिक मेजरमेंट डिवाइस है आपका, और प्रॉपर जो साइंस आपको अगर पढ़नी हो RRB NTPC के लिए, UPSC के लिए, किसी SSC के एग्ज़ाम के लिए, तो प्रॉपर 6 से लेकर 10 तक की मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ। उसमें सिर्फ मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, पूरे जो चैप्टर उनको पूरा सारांश दे रहा हूँ नोट्स के माध्यम से। वो बिल्कुल अच्छे से आप चीज़ समझ सकते हैं, फिर अगर आपने एक बार वो पढ़ ली तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि बेस आपका वही है। जिसको वन लाइनर पढ़ने हैं आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, इसमें पहला कह रहा है अल्टीमेट क्या होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू इंडिकेट दी हाइट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है अमीटर, अमीटर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। थर्ड है एनीमोमीटर, बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नापने के लिए। नेक्स्ट है ऑडियोफोन, ऑडियोफोन के लिए होता है ऑडियोमीटर के लिए। नेक्स्ट है बाइनोक्यूलर, यानी कि रिमोट व्यूअर होता है आपका। सिक्स्थ है बैरोग्राफ, एटमोसफेयर प्रेशर को नापने के लिए। नेक्स्ट है सिस्कोग्राफ, यानी रिकॉर्ड द ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर, द क्लॉक ऑफ शिप राइट टू नो वेयर इज एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट के लिए। टेंथ है कार्डियोग्राम, एसोसिएट इन द वर्क ऑफ कार्डियोग्राफी। इलेवंथ करें कैपिलर्स, रिमोट मीटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है डेप्रीसील, यानी कि रिगर के लिए। 13 होता है डायनामो, कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपका। 14 है एपिडियास्कोप, इसको प्रोजेक्शन ऑफ फिल्म के लिए यूज जाता है। 15 है पेडोमीटर, मेजरिंग ऑफ डेप्थ ऑफ द ओशियन के लिए। 16 है गैल्वेनोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपका ये। 17 है गर्गर मलर, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। 18 है मैनोमीटर, मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ गैस। 19 है माइक्रोटमास, यानी सुपर वाइजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड इन द स्मॉल पोर्शन के लिए। 20 है ओडोमीटर, टेल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। 21 है पेरिस्कोप, एक्सटीरियर व्यू के लिए होता है। 22 है फोटोमीटर, लाइट मैग्नीफायर के लिए। 23 है पायरोमीटर, एक्सट्रीम हाई हीट मेजरिंग डिवाइस होता है आपका। 24 होता है रेडियोमीटर, मेजरमेंट ऑफ रेडिएटेड रेडिएशन बाय द रेडिएशन। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर, मेजरिंग द अर्थक्वेक इंटेंसिटी को। नेक्स्ट है सेक्सटेंट, टू नो द हाइट ऑफ द प्लैनेट। 27 है ट्रांसफॉर्मर, टू चेंज द वोल्टेज ऑफ द रेक्टेंगुलर करंट। 28 है टेली प्रिंटर, ऑटोमेटिकली प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन सेंड बाय टेलीग्राफ। नेक्स्ट है टैक्सीमीटर, रेंटल इक्विपमेंट इन टैक्सीज। 38 टैकोमीटर, मोटर बोट एंड एयरप्लेन स्पीड नापने के लिए। 31 कह रहा है टेलीस्कोप, एक्सेसरी ऑफ व्यूइंग रिमोट आइटम्स। 32 है ग्रेस्कोप, ग्रेस्कोप यानी स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट डायनामिक्स के लिए। 33 है ग्रेविमीटर, लोकेटिंग ऑयल फील्ड प्रेजेंट इन वाटर। 34 है ग्रामफोन्स, रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डर के लिए। 35 है फोरग्राउंड, ब्लड प्रेशर स्टडी ऑफ बीटिंग के लिए, नापने के लिए। नेक्स्ट है 30 किडनीस्कोप, एज ए टेलीविजन स्क्रीन, सॉरी किडनी नहीं, काइनोस्कोप है आपका, ठीक है। 37 है कैलिपर्स, मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस के लिए। 38 है कैलोरी मीटर, यानी कि थर्मोमीटर, कितनी नापने उसको। 39 है कार्बोरेटर, अ फिक्स पार्ट ऑफ ए गैसोलीन इन द इंजन के लिए। 40 होता है कंपास, यूज टू डायरेक्शन गाइडेंस के लिए आपका। कंप्यूटर है इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटर है। एपिस्कोपी होता है डिस्प्ले ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन। एडियोस्कोप होता है शो पिक्चर ऑन द स्क्रीन इन द सिनेमा। नेक्स्ट है एस्केलेटर, मूविंग मशीन स्टेयरकेस। नेक्स्ट है एक्सेलेरोमीटर, वेसल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है एक्टियोमीटर, सनरे मेजरिंग मशीन होती है आपकी। 47 है एरोमीटर, लोड एंड डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ गैसेस। 848 है एक्यूमुलेटर, इलेक्ट्रिकल पावर कलेक्टर के लिए होता है। नेक्स्ट 49 ओसिनोग्राफी, टू इंडिकेट इलेक्ट्रिकल एंड और मैकेनिकल वाइब्रेशन के लिए। 50 है स्टेथोस्कोप, फॉर स्टडी द स्पीड ऑफ द हार्ट एंड लंग्स के लिए आपका, ठीक है। 58 कह रहा है स्पेनोगोनोमीटर, फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज के लिए। 52 है जीटा, द डिवाइस यूज टू फॉर न्यूक्लियर कम्बिनेशन के लिए आपका। 53 है डैनियल सेल, फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। 54 है डिक्टाफोन, रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग मशीन के लिए। 55 है डायलिसिस, ब्लड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ किडनी। 56 है थर्मोमीटर, हीट मेजरिंग मशीन होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोस्टैट, टू मेंटेन द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। 58 है हिपोमीटर, टू फाइंड द हाइट अबव द सी लेवल। 59 है हाइड्रोफोन, इंसर्ट साउंड विद इन द वाटर। 68 है स्पेक्ट्रोमीटर, फाइंडिंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लाइट। 61 है हाइड्रोमीटर, फाइंडिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द फ्लूइड्स।
62 है हाइग्रोमीटर, फाइंडिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, वो हाइड्रो या हाइग्रो है, ठीक है। 63 है स्टीरोस्कोप, डिस्प्ले फोटो इन द थ्री डायमेंशनल फ्रॉम द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन सॉरी। 64 करा है वेंडियोग्राफ जनरेटर, प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल। 65 है वोल्टमीटर, मेजरिंग पोटेंशियल। 66 है लैक्टोमीटर, मेजरिंग द करेक्टनेस ऑफ मिल्क। 67 है रिफ्रैक्टोमीटर, नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। 68 है रेन वेव, रेन मेजरमेंट मशीन। 69 है रेडिएटर, कीप द इंजन कूल। 70 है रेफ्रिजरेटर, टू कीप फूड कूल स्पेशली। 70 है रडार, फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। 72 माइक्रोमीटर, मेजरिंग वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। 73 है मेगाफोन्स, मूव द साउंड टू रिमोट लोकेशन। 74 है बैटरी, फॉर द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। 75 है बैरोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। गाइस ठीक है, ये तो मैंने आपको जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बताया है। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट टीच करता हूँ, जो कि सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंगल पैनी आपको पे नहीं करा, सभी कॉम्पिटिशन के लिए कॉन्स्टेबल और MTS से लेके आपका UPSC लेवल तक के, ठीक है। इसमें आपकी मैथमेटिक्स है, मैथ में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों है, इंग्लिश में ग्रामर है और वोकैब पोर्शन है आपका, ठीक है। रीजनिंग में वर्बल है और नॉन वर्बल रीजनिंग है आपकी। GS में आपकी डिस्क्रिप्टिव GS है, करंट अफेयर्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड होते हैं अलग अलग वीडियो, प्लस आपकी वन लाइन आपके साथ में चल रहे हैं, प्लस NCERT की नोट्स हैं प्रॉपर, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी भी है, हिंदी में आपकी प्रॉपर ग्रामर मिलेगी, लाइक जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें ग्रामर आती है आपकी, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।